एक समय भगवान कृष्ण ने सहस्राबाहू को बंद करके और उनके रक्त निकाल करके एक बोतल के अंदर बंद करके अपनी बहन सुभद्रा को लेकर के सौंप दिया था और उसने कहा था कि बहन इसको कभी खोलना मत। लेकिन काफी समय बीतने के बाद में कुंवारी संख्या के अंदर सुभद्रा खोल करके और उनको अपने नाकू के पास में सूंघती है, जाकर के सहस्राबाहू सुभद्रा के गर्भ में निवास कर जाता है। और जब सुभद्रा गर्भवती होती है तब भगवान कृष्ण सोई मार्जन को बुला करके सुभद्रा का हरण किया था। और यह भी प्रमाण में लिखा मिलता है कि अर्जुन का हरण सुभद्रा ने किया था, अर्जुन का हरण सुभद्रा ने किया था, इसीलिए वो अभिमन्यु था जो सहस्राबाहू का अंश था। और भगवान कृष्ण को भी इस बात का भय था कि जिस दिन ये बदल जाएगा उसी दिन अभिमन्यु तेरा भी स्वयं का वध कर सकता है। तो इसमें प्रमाण में यह भी मिलता है कि ये भगवान कृष्ण की चालाकी थी जो अभिमन्यु का चक्कर व्यूह के अंदर बद्ध करवाया था। और यही कारण था अगर जय सुभद्रा और अभिमन्यु का मिलाप हो जाएगा तो यही अनस जाकर के और सुभद्रा के गर्भ में निवास कर जाएगा। इसीलिए तेरा शुद्ध दुश्मन को तो कदे यो नाम निशान जानू ही कोन्या। और तब सुभद्रा खड़ी होकर के अभिमन्यु से कहती है कि तू लड़ने के लिए जा रहा है, कुरुक्षेत्र मैदान में या तो हार होती है या जीत होती है, अगर जे तू मारा गया तेरी पराजय होगी तो फिर मैं क्या करूंगी। तब एक महाभारत का प्रमाण तो यह मिलता है कि अभिमन्यु उसी समय खड़ा खड़ा अपनी दृष्टि से, अपनी आंखों की दृष्टि से सुभद्रा के साथ में भोग करता है। और एक प्रमाण यह मिलता है, छह खंड महाभारत का यह प्रमाण है कि एक आम का फल था, अभिमन्यु आधा चूस करके आधा उत्तरा को देता है तो उत्तरा उससे भी गर्भवती हो जाती है। और चलती समय अभिमन्यु कहता है कि मेरी विजय हो गई तो मैं तेरे पास में वापस आकर के विश्राम करूंगा, अगर जब मैं मारा जाऊंगा तो यह समझ जा कि आज से तू गर्भवती हो चुकी है, समय आने के बाद तेरे गर्भ से एक महावीर बलवान का जन्म होगा और आने वाले युग में वो अक्षनापुर का राजा बनेगा। यह वरदान उत्तरा को देकर के अभिमन्यु वहीं से आगे बढ़ता है, अपनी माता सुभद्रा के पास में जाता है, माता को शीश नवाता है। पुत्र क्या बात है? बोले माता मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं, चक्कर व्यूह का खेल है, मेरा पिता नहीं है, अर्जुन और कृष्ण दोनों संवादों के साथ में युद्ध करता हुआ और काफी दूर निकल गए हैं, अब मजा, माताजी मुझे आशीर्वाद दो। बोलो बेटा मेरी तरफ से आशीर्वाद है, मेरे तो एक आशीर्वाद से। बोले वो के? बोलो लड़तो चक्कर भी उम मर जाएगो तो मेरे संतोष हो जाएगो, अर्जा दम्मा पीट तो घर में आ जाओगे तो मेरे संतोष को ना हुएगो, और जाओ भगवान करे तेरी विजय हो। ये माता सुभद्रा का आशीर्वाद पाकर के अपने ताऊ के पास में आता है कि मैंने दादी का आशीर्वाद पा लिया, मेरी माता का पा लिया और मैंने सुभद्रा से भी मिलकर क्या, अब मुझे आशीर्वाद दो ताऊ जी, मैं चक्कर व्यूह में जाऊं। हाँ बेटा ठीक है, अब मेरा आशीर्वाद है, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात सुन बेटा। बोलो कहो। बोलो जैसे जैसे जाकर के तू चक्कर व्यूह का द्वार खोलता रहेगा, हम चारों भाई सेना लेकर के तेरे पीछे आएंगे और जो सातवां दरवाजा है उसको भीम तेरे साथ में साथ देगा और भीम अपनी गदा से सातवां दरवाजा को तोड़ देगा, हम तेरे पीछे रहेंगे। बोलो बहुत ठीक। तब अभिमन्यु अपना रथ का सवार होता है, धनुष बाण हाथ में उठाता है और चलता चलता जब चक्कर व्यूह की तरफ जाता है तो कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर पहला दरवाजा, चक्कर व्यूह का पहला दरवाजा के ऊपर सिंध देश का जयद्रथ खड़ा हुआ था। और जयद्रथ अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र को देख करके और बगबग हंसता है और बगबग हंस करके एक कटु वचन और एक अभिमन्यु से कहता है, तो क्या कह रहा था और कैसे अभिमन्यु खड़ा खड़ा जयद्रथ की बात सुन रहा था।
पर की कर दे गोबर बादी। हर मेरी बात समझ जा खेच मोटी वेगी ब्यादी। हर छे एक महीना पहली तेरी खेच देख वही छी शादी। और आज बैराठ की कन्या ने अरे करवा खेच रांड यादों के का बेटा। अरे तेरे अनबान पना में कहिया गाल दिया यले जेटा। अरे ऐंडे तो लड़ बाला योद्धा लड़ेगा। अरे तेरा श्री का बोला का सुन टूटेगा टेटा। अरे पांडवा को नाम उजागर कर बाया गो Oh,
इच्छा सरदा शारू खेच सब दी जो ना दान अर खेच सब चीजा की खुली छे चाहे कोई भंडाराया गला तक को बोलो ना सा मान अरे टेम समय की बात ची धर्म ने ऊंचो उजागर करवाया हो सिंधराज जयद्रथ